Yes. Sir, guten tag. Guten tag. सर हॉस्पिटल्स वगैरह में कहीं विजिट किया सर आपने? कहीं नर्सेस वगैरह से कुछ मिले हो, कहीं बातचीत हुई हो सर? आप ये पूछना चाह रहे हो कि नर्सेज के लिए स्कॉप के बारे में कुछ बताओ? यस सर, डेफिनेटली मिला हूं मैं उसका। यस सर, उसका करूंगा जल्दी, उस बारे में अलग से सेशन रखूंगा। मिला हूं, मेरा मकसद एक ये भी था यात्रा का, ऐसे थोड़ी तो आपकी मेरी बात होती सर। एक बार आपने कहा था ना कि मैं कुछ लोगों को वहां जानता हूं या मिलूंगा जहां पर एज रिस्ट्रिक्शंस वगैरह ना हो, वर्किंग कंडीशंस हो, नर्सेस के लिए खुली रहे, तो इस बारे में आपने कहा था मेरे फ्रेंड्स हैं वहां पर, मैं जब जाऊंगा तो बात करूंगा और फिर मैं बातें बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बातचीत हुई हो? बिल्कुल हुई है, अलग से इस पर बात करूंगा मैं जरूर। ठीक है सर, कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट है जरूर। मैंने दो तीन जगह पे अलग अलग जगह बात करी, फ्रूटफुल पॉजिटिव बातें रही है। ठीक है सर, ऐसा सेशन लेंगे फिर आपसे, क्योंकि वो मैं लेकर तो सर। हाँ बिल्कुल, और उसमें भी है ना, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो, जैसे आपके केस में एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, राइट, मैडम का एक्सपीरियंस बढ़िया है, तो जो एक्सपीरियंस्ड है, 5 साल से ज़्यादा जिसका एक्सपीरियंस है, लैंग्वेज भी B1 B2 का लेवल है, मैं कह रहा हूँ उनको वो बहुत पलक पावड़े बिछा के लेंगे। बहुत रिस्ट्रिक्शन रहेगा सर वहाँ पर उस केस में? अब मतलब 40 तक कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा बहुत आगे भी होगा, लैंग्वेज अगर स्ट्रांग है तो काम हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। थैंक यू, वेलकम। और किसी का कोई सवाल? आप कई फ्रेंड्स लोग ऑलरेडी जर्मनी वगैरह में हैं, वो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं। आईटी फील्ड के बारे में आप लोगों के मैं एक जल्दी एक डेवलपमेंट देने वाला हूं, अपडेट देने वाला हूं, राइट, बातचीत चल रही है ना, तो उनका सारा मुझे समझना है। अभी आज भी मैंने उनको भेजा हुआ है, आज टाइम मिलेगा तो आज ही हमारी मीटिंग हो जाएगी, है ना, कल का उनका मैसेज आया हुआ था, और आज नहीं तो फिर अगले वीक तक तो डेफिनेटली आपको अपडेट दूंगा। ठीक है सर, नर्सेस वाला सेशन कब हो सकता है जो मैं बता रहे थे, वो कब ले सकते हैं सेशन? मैं टाइमिंग मेरा सेट करके आपको बताता हूँ, जल्दी से जल्दी करेंगे अपन। ठीक है सर, है ना सर। एक चीज और पूछते थे, आप इतना आप ऑस्ट्रिया ये स्विट्जरलैंड वगैरह जगह सर, वेदर कैसा लगता है यहाँ इस कंट्रीज का? अभी नहीं, बहुत बढ़िया वेदर था, अभी तो दिन भी बड़े बड़े थे, इसलिए भी मैं इतनी सारी चीजें कवर कर पाया, है ना, बहुत बढ़िया था। कुछ जगह पे गर्मी लगी, बल्कि अपने वाली गर्मी से तुलना करके उसको गर्मी नहीं कह सकते, लेकिन क्या है कि लोग आपको कहते हैं कि यहाँ गर्मी है। मेरे को तो कोई, सच बताऊं तो आपको ऐसी कुछ गर्मी मेरे को लगी नहीं, लेकिन कुछ लोग कह रहे थे सर बहुत गर्मी है यहाँ, तो सर 40 डिग्री से 20 डिग्री में जाना होता गर्मी लगेगी सर। अपन को कहाँ गर्मी लगेगी, वही बात है ना, तो मेरे को तो ऐसा कुछ लगा नहीं गर्मी। लेकिन यस, ये बात सही है कि मौसम बहुत ही बढ़िया था, खास तौर पे मैं तो छाता लेके गया था और बारिश ही नहीं हो रही, मैंने कहा यार छाता अपन कैरी कर रहे हैं, तो एक जगह बारिश होगी तो मेरा छाता काम आ गया, मुझे तसल्ली हुई, राइट। अगर लगातार ही बारिश रहती तो शायद यात्रा प्रभावित भी होती है ना उससे, कई चीजें आप कर नहीं पाते, तो बारिश भी नहीं हुई ज्यादा, तो मस्त एक्सपीरियंस था मेरा। तो और कोई फ्रेंड्स लोग ऑलरेडी उधर बैठे हैं तो वो भी पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। नौशाद सर, आप स्पोल्डिंग से रिलेटेड सेशन रखने वाले हैं सर? किससे रिलेटेड? हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड तो जरूर रखेंगे सेशन, हाउस बिल्डिंग से रिलेटेड जरूर रखेंगे। आज मैंने ये एक्सपीरियंस वाला इसलिए रख लिया मैंने, क्योंकि स्टूडेंट्स क्लास के भी कई बार बार कह रहे थे कि सर शेयर तो करो, क्या बातें तो करो हमसे, क्योंकि क्लास में मैंने सोचा बातें करूंगा तो उनकी क्लास खराब होगी, राइट, तो इसलिए मैं क्लास में नहीं करना चाह रहा था, थोड़ी बहुत करके मैंने कहा यहाँ पे बातें कर सकते हैं अपन। बाकी तो सेशन आप लोगों के साथ अलग अलग रखूंगा मैं, हाउस बिल्डिंग का भी सेशन रखूंगा अलग से, और डायरेक्ट प्लेसमेंट का भी सेशन रखूंगा, और नर्सिंग के लिए स्पेशली एक सेशन करना चाहूंगा, डोंट वरी, करेंगे उसके बारे में भी बात अपन अलग से। यस अरवाज सर, गुड टाग सर, मैंने सवाल था कि जैसे कि हम लोग बीए करते हैं और B2 है मान लो, तो वहां पर क्या स्कोप है जर्मनी में? मैं कह रहा हूं आप B2 कर लोगे तो बेटर है, क्योंकि बहुत सारी जगह मुझे ऐसा भी फीडबैक आ रहा था, राइट, या इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि जर्मन्स B2 में ज़्यादा इंटरेस्टेड है, सच बताऊं आपको,
तो मुझे ये भी लग रहा था कि मेरे को जाते ही बी टू भी शुरू करना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो बच्चे पीछे पड़े हुए हैं कि आप सर नया बी टू शुरू करो, और उधर वो बी टू में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं ऐसा लगा मुझे। तो आप अपनी लिंक कहीं से भी सीख रहे हो आप, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता, अच्छे से जर्मन सीखो और हो सके तो बी टू करके जाओ, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा आपको। क्योंकि आप जब रियल वहाँ जाके देखते हो सिचुएशन, तो आपको समझ में आती हैं कई चीज़ें। अदरवाइज अपना तो आग्रह ये रहता है कि यार क्या हो गया, बी वन में ही भेज दो, देख लूँगा मैं, वो मैं जिम्मेदार हूँ, खुद देखूँगा, आप तो भेज दो मुझे, ये रहता है ना जल्दी से जल्दी जाने का। लेकिन आप जब तक नहीं जाते हो, जब तक आपकी बेचैनी इतनी ज़्यादा है, चले गए तो फिर वो आपसे वो लेवल का एक्सपेक्टेशन करते हैं ना। तो बी वन में जा सकते हैं ऑफकोर्स, लेकिन हो सके जो कोई अफोर्ड कर सके उसको बी टू करके ही जाना है, ये मेरा एक रिकमेंडेशन है। फिर आपके लिए कोई लिमिट नहीं, बिना टेक्निकल कोर्स किए हम वहाँ पे जॉब ले सकते हैं? हाँ जरूर, झाड़ू वाड़ू निकालने के लिए जा सकते हैं, इस तरह के हाउसकीपिंग वगैरह में। पूरा लगा सुन के? नहीं ना। हाँ, क्योंकि जनरली उनको तो चाहिए एक्सपर्ट्स लोग, उनको चाहिए सब्जेक्ट एरिया का एक्सपर्ट, प्रोफेशनल चाहिए उनको। अगर मान लो अपने पास प्रोफेशनल डिग्री नहीं है, तो उनके पास हाउसकीपिंग और इस टाइप के काम है तो उसमें ले सकते हैं वो, आपको देखना है। हाँ, वेलकम। एक्चुअली क्या है, हम सुनना तो ये नहीं चाहते जो मैं बोल रहा हूं, बट सच तो यही है, तो वो ही बोलना पड़ेगा मुझे। क्योंकि मान लो कोई बोले कि मेरे को जर्मन आती है इसलिए मेरे को ले लो वहां पे, बोले जर्मन तो वहां हर किसी को आती है, वहां तो बच्चा बच्चा जर्मन ही बोलता है, और उनके बच्चों का भी अपने बच्चों से कॉम्पिटिशन हो रहा है हाउस बिल्डिंग वगैरह में, ये मान लो आप। खैर, लेकिन उनके बच्चों को तो हाउस बिल्डिंग के सैकड़ों ऑप्शंस हैं, हमारे लिए तो लिमिटेड ही हैं अभी, इसलिए उनके बच्चे बचे हुए हैं। एनी अदर क्वेश्चन? यस साहिल। गुंटाग, सर मुझे ये कहना, जैसे आप जानते हो हमारे हॉस्पिटैलिटी के और नर्सिंग के स्कूल के साथ इंटरेक्शन करवाते हो, तो सर ऐसे मेकाट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स से भी हमारे इंटरेक्शन करवा सकते हो? मेकाट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए इंटर्नशिप? अच्छा अच्छा हाँ 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 ये आप सही कह रहे हो कि मैकेट्रॉनिक्स वाले इतने मतलब कांटेक्ट में है नहीं, जो गए हैं वो भी या तो उन्होंने किसी ने बदल लिया, और बहुत कम लोग गए हैं मैकेट्रॉनिक्स में, तो इसलिए मैं पहले भी एक बार ट्राई किया, फिर पता चला उस स्टूडेंट ने तो बदल ही लिया वहाँ जाके, ऐसा करके कुछ हो गया। तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई आए और हमको इस बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करे, मतलब जैसे नर्सिंग वगैरह में और बाकी में जितने गए ना उस लेवल पे मैकेट्रॉनिक्स में गए नहीं है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि उसमें कम क्यों जा रहे हैं, या तो वैकेंसी कम निकलती है या फिर शायद स्टैंडर्ड उनको बहुत हाई चाहिए उसमें। इस बारे में मैं पता करके आपको किसी न किसी से इंटरेक्शन कराऊंगा, जैसे ही एज सुन एज मुझे इसका चांस मिलेगा। मुझे पहले भी किसी ने अभी बोला था बट अभी तक मैं करवा नहीं पाया। डेफिनेटली साहिल, मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी कोई ऐसा बंदा हमको गाइड करे। यस अभी हेलो, यस गुड नाइट, यस बिटी शोन, मुझे नर्सिंग का ऑपरेशन में करना था, तो और मुझे लैंग्वेज सीखना था। सो डेफिनेटली नर्सिंग में आप हाउस बिल्डिंग कर सकते हो, जो भी उसके क्राइटेरिया हैं वो आप फिल मतलब मीट करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाएगा उसमें। आप तो लैंग्वेज शुरू कर दो, जहाँ से भी करना चाहो अच्छे से लैंग्वेज शुरू कर दो। आपका एज क्या है, डिटेल में तो अपन अलग से बात करेंगे, एज क्या है बस ये पूछ रहा हूँ। बस डोंट वरी, बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से लैंग्वेज शुरू कर दो आप, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं वहीं आना चाहता हूँ, ऑनलाइन ले लूँ सर। कहाँ हो आप अभी? मैं सर यूपी से बनारस से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, अगर आप आ सकते हो यहाँ पे तो ज़रूर आ जाओ, मेरे पास बहुत सारे स्टेट्स के बच्चे आ रखे हैं, आई थिंक 13-14 स्टेट्स के बच्चे ऑफलाइन यहाँ जर्मन सीखने के लिए आ रखे हैं, तो आ सकते हो आप भी अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो, नो प्रॉब्लम, है ना। वेलकम सर।
सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा वैकेंसी नर्सिंग हाउस बिल्डिंग और नर्सिंग की जॉब्स में ही रहेंगी सबसे ज्यादा। आप लैंग्वेज का लेवल हाई रखो, और अगर आपको किसी भी तरह का कोई एक्सपीरियंस है उससे रिलेटेड तो उसको शो कर सको तो वो बेस्ट है। नर्सिंग का फील्ड सबसे सिक्योर है, ये मेरा पर्सनल फील है, क्योंकि जहां भी आप बात करते हो वो कहते हैं कि नर्सिंग हाउस बिल्डिंग और ये उसके बारे में ज्यादा जोश के साथ बात हो रही होती है। मैकेट्रॉनिक्स में मुझे लग रहा है कि बहुत कम वैकेंसी होती है, शायद हमारे लिए कम होती हैं, या ऐसा मुझे फीडबैक और फील आया, क्योंकि कई लोगों से बात करने की कोशिश करी तो वो मैकेट्रॉनिक्स की बात से फिर घुमा फिरा के वो दूसरों में बात कर रहे थे। सो हाँ, आप ये बताओ आप ऑलरेडी इंजीनियर हो या फिर क्या है आपका अभी स्टेटस? सर मैंने डिप्लोमा किया हुआ है 3 ईयर का इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो आपने डिप्लोमा किया हुआ है, तो अभी मैं एक सेशन रखूंगा, उसमें क्या डायरेक्ट प्लेसमेंट की क्या क्या चीज़ें हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा, है ना? फिर अगर आपका कहीं डायरेक्ट बन जाए तो उसको प्रीफर करना। आपका एक्सपीरियंस कितना है? सर मेरा एक्सपीरियंस तो कुछ भी नहीं है, मैंने टेस्ट के बाद डायरेक्ट डिप्लोमा किया है 3 ईयर का। ओके, तो अभी जैसे आप केवल जर्मनी सीख रहे हो और कुछ नहीं कर रहे? जी सर, मैंने 1 ईयर जॉब किया है और मैं अभी B1 लेवल पे हूँ। हाँ, तो आप है ना B1 तो कर रहे हो, B1 कर लो और साथ साथ में अगर ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको ऐसे लगता है कि हाँ मैं मैनेज कर सकता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस और ले लो, जब तक वो आपको हेल्प ही करेगा, कहीं डायरेक्ट प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटी में शायद मदद हो सकती है। अच्छा, फिर ठीक है, पढ़ाई दो दो चल रही है तो फिर तीसरी चीज तो संभव नहीं है। ठीक है, आप तो अपना B1 B2 का जो भी सर्टिफिकेट है जल्दी से जल्दी करके और फिर रेडी रहो उसके लिए, जो भी वैकेंसी आएंगी मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। ओके सर, थैंक्स। ब्रिटिशॉन, और कोई फ्रेंड्स लोग एक्सपीरियंस करना चाहेंगे अपना शेयर हमारे साथ? गुड, बहुत सारी चीजें आपको मैं किस्तों में शेयर करूंगा, कई चीजें ऐसी होती हैं कि ऑन द स्पॉट आप बिना टॉपिक के कर नहीं सकते। या मिस्टर अजय एंड अभी भाटी, अजय। हेलो सर। हेलो सर, मैं ये पूछ रहा था जो ये नर्सिंग हॉस्पिटल है, इसके लिए बीएससी नर्सिंग की ही डिग्री होनी जरूरी है, या मैं जैसे जिसके सिमिलर सब्जेक्ट्स हो उसने किसी और फील्ड में डिग्री कर रखी हो? नहीं देखो, जनरली उनको जीएनएम या बीएससी नर्सिंग वही चाहिए होते हैं। अब कोई बोले अगर मान लो मैंने ANM कर रखा है तो भी चलेगा क्या? अब ANM कर रखा है आपने तो उसके लिए जो एक अलग टाइप का, जैसे मान लो कहीं पे असिस्टेंट या हेल्पर के तौर पे कहीं जॉब हो वो मिल सकती है आपको, लेकिन तनख्वाह का फर्क रहता है ना। जनरली नर्सिंग, उनको नर्सेज चाहिए तो इस बात का मतलब है GNM या फिर BSc नर्सिंग, इसकी ज़्यादा डिमांड है। बाकी की मिल जाए आपको अच्छी बात है, लेकिन डिमांड में ये दो ही हैं, कुल मिला के एक ही बात होगी, ये नर्सेज चाहिए होते हैं उनको। मान लो कोई बोले कि मैं सर, हाँ बोलो आप पहले, जैसे मान लो आपने डिप्लोमा कर रहा है और मेडिकल से रिलेटेड कोई और छोटा डिप्लोमा कर रखा है तो वो देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट उनको उसकी है कि नहीं। कोई बोले बी फार्मा कर रखा है मैंने तो उस तरह की अभी मेरे पास रिक्वायरमेंट आई नहीं है तो मैं अभी शेयर। जैसे मान लो किसी ने फिजियोथेरेपिस्ट है कोई तो डेफिनेटली उसकी डिमांड मिलेगी। हमने मेडिसिन से कर रखी है डिग्री, सब्जेक्ट्स हमारे मिलते हैं और जो बीए
अब ये बात पूछनी पड़े, आपकी डिग्री वगैरह उनको दिखाना पड़े, एक्सपीरियंस जो भी है वो दिखाना पड़े, फिर अगर रिक्वायरमेंट हो तो बता सकता हूँ, क्योंकि मुझे जिसने भी नहीं, एक्सपीरियंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आपके पास होता है तो वो आपके फेवर में ही जाता है। जैसे नर्सेज, उनको फ्रेशर भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, और कोई नर्सिंग वहाँ से करना चाहता है हाउस बिल्डिंग के लिए तो वो भी चाहिए उनको, क्योंकि इस पूरे फील्ड में डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसलिए सब तरह के लोग चाहिए। तो सर आपसे वो शेयर कर सकते हैं जो जैसे सब्जेक्ट वगैरह डिग्री वगैरह? मैं हाँ, आप डेफिनेटली मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और आपके टॉपिक वाइज जो जो चीजें आएंगी वो मैं डिस्कस करूंगा धीरे धीरे। ओके, अभी भाटी वेलकम। नमस्ते सर। नमस्ते सर। प्रिंस भाटी आपको याद होगा? ब्रिज भाटी याद है मुझे सर, वो मैकेट्रॉनिक्स के लिए पूछना था मुझे भी, क्योंकि मेरा पिछले बार एक मॉड्यूल रह गया था, उसकी वजह से नहीं हुआ था। हाँ। मैंने वो कंप्लीट कर दिया अपना पेपर पूरा। आपको सच बताऊं कि एक तो मैकेट्रॉनिक्स जो है वो आपको ध्यान होगा कि केवल सितंबर इंटेक में ही होता है टेक्निकल। जी, 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 सर। ये पता है ना आपको? जी, राइट जी, पता है। तो अभी जो आएगा वो तो आएगा मार्च इंटेक, तो इस बीच में अभी तो उसकी है नहीं वैकेंसी, लेकिन जो भी होगी इस बीच में मैं शेयर जरूर करूंगा। आप हो सके तो इस बीच में अपना B2 कर लो, अगर मैकेट्रॉनिक्स में ही जाना है तो B2 कर लो, ताकि वैकेंसी भी निकले तो अपन को प्रायोरिटी मिल जाए। ओके, ठीक है। ओके, हाँ वेलकम। हेलो बालकृष्णा, रोमित, कैसे हैं आप लोग? हेलो, हाय सर। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है। जी प्लीज सर, ऐसे कि मतलब जब हाउस बिल्डिंग में इंटेक होता है मार्च और सितंबर में, डायरेक्ट प्लेसमेंट का इस तरह से नहीं होता, वो तो पढ़ाई की डेट्स हैं, वो तो डायरेक्ट प्लेसमेंट में तो उनको पास जरूरत रहती ही है। तो आपके पास B1 B2 जो भी है, जैसे ही आपका सर्टिफिकेट आए आप अप्लाई करो, आप मेरे को बताओ कि मेरे को डायरेक्ट प्लेसमेंट में इसमें जाना है, ये मेरी डिग्री है। मैं आप लोगों के साथ जल्दी वो शेयर करूंगा कि किस किस में डायरेक्ट प्लेसमेंट पूछ रहे हैं। और सर मेरा एक साल का एक्सपीरियंस है नर्सिंग में, तो वहाँ पे बेड पूरा कम था, 50 बेड था, तो उसमें कोई प्रॉब्लम है? मतलब आपका आप नर्स हो और एक साल का एक्सपीरियंस है आपके पास? हाँ, बट जो जिस हॉस्पिटल में मैंने काम किया उस हॉस्पिटल का बेड रेंज थोड़ा कम था, 50 बेड रेंज था, मतलब बेड था 50, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आएगा? और ये बात मैं समझा नहीं, मतलब मैंने जो हॉस्पिटल में काम किया सर उस हॉस्पिटल का बेड था 50 बेड हॉस्पिटल था। 50? अच्छा, मतलब छोटा हॉस्पिटल आप ये कहना चाह रहे हो? हाँ, सर, वो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्सपीरियंस, आपने काम क्या किया है उसको मेंशन करना प्रॉपर, आपकी लाइबिलिटीज ड्यूटीज क्या होती थी वहाँ पे, वो इम्पोर्टेंट है। 50 बेड है कि हाँ तो उसमें 50 बेड है, 100 बेड है, मेरे ख्याल से ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आपकी ड्यूटीज क्या थी, आप करते क्या थे वहाँ पे, राइट? उसके हिसाब से वो चीज़ ज़्यादा मायने रखती है, 50 बेड की कोई बात नहीं है, डोंट वरी। यस, एक्सपीरियंस जितना ज़्यादा उतना बढ़िया, ये ज़रूर है, तो ठीक है, वो कोई इशू नहीं है। गुड, शाबाश, फील इवन डांक, थैंक यू, आप एक्सपीरियंस सुनने के लिए आए, आप लोगों को जर्मन में बोलने नहीं दिया मैंने आज। नौशाद प्लीज। सर, नर्सिंग हॉस्पिटल 12th के बाद भी जा सकते हैं? हाँ, 12th के बाद कर सकते हैं, ग्रेजुएट भी हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिटेल में सेशन रखने वाला हूँ जल्दी, बाकी 12th के बाद कर सकते हैं, डोंट वरी। संगीता। हेलो। या हेलो सर, मैंने मैकेनिकल डिप्लोमा से किया हुआ है, और मैं रेलवे में थर्ड पार्टी से टेक्नीशियन थर्ड पे मैं वर्क कर रहा हूँ अभी मैं। ओके, यस सर। सो क्या मैं एलिजिबल हूँ वहाँ पे जाने के लिए? बट मेरी सर एज 31 हो रही है। सर एक्सपीरियंस कितना है आपको? एक्सपीरियंस तो सर मुझे 3.5 साल का, पर वो प्रोडक्शन लाइन में है, उसका मेरे पास कोई एक्सपीरियंस लेटर वगैरह नहीं है, बट जो रेलवे में काम कर रहा हूँ उसका है सर। उस कितने टाइम का है ये?
ये सर मेरे को 6 महीने हुए जो ज्वाइन किए हुए। ओके ओके यस सर। चलो कोई नहीं, एक्चुअली क्या है, जहाँ भी अपन काम करें हमको एंश्योर करना चाहिए कि एक्सपीरियंस लेटर मिले, क्योंकि हम लोग बोलें और उसका कागज़ नहीं हो तो फिर वो माना नहीं जाता उस तरीके से, है ना। हालांकि आप कह के ये बात कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हो, बट वो बात बनती नहीं जनरली। सो आप अपना जो भी सर्टिफिकेट, जो भी डिग्री आपने कर रखी है, जो लोग डिप्लोमा वाले हैं वो जरूर मेरे साथ शेयर करें, मैं ये कहूँगा आपको। ओके, ताकि तो सर हमारा किस देश पे होगा जब अप्लाई करेंगे तो, मैकेट्रोनिक्स या फिर वर्क पे? नहीं, आपने अगर डिग्री वो आपका डिप्लोमा कर रखा है प्लस आपके पास वर्क का एक्सपीरियंस भी है तो जनरली एक्सपीरियंस अच्छा खासा मांगते हैं वो, बट फिर भी बात की जा सकती है। ओके हाँ, बात बात की जा सकती है। 4-5 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो खुश होते हैं एक्चुअली। नहीं सर, चलो नहीं सर मेरे पास। हाँ नहीं, लेकिन फिर भी आप जो भी आपके पास डिप्लोमा है वो शेयर करें, अपन बात कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। इसमें B1 कंफर्म है सर, BA चाहिए? B1 तो मिनिमम है ही है, हो सके तो B2 की कोशिश करो। यस, वेलकम। आप लोगों को आज एक कोर्स शुरू हो रहा है शाम को 3:30 से 4:30 जर्मनी से, वो कार्तिक सिखाएंगे उसमें आपको, राइट। उसके क्या क्या इम्पोर्टेंस है वो सारा तो वही बता पाएंगे, लेकिन कोई कॉस्ट नहीं है उसकी, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट। और बैकग्राउंड कोई भी हो उन्होंने बोला सीख सकते हैं, और उसका बाद में अलग से एग्ज़ाम दे के सर्टिफिकेशन भी ले सकते हैं। तो आप देखिएगा आपको टाइम हो तो, उसका मीटिंग लिंक सेम रहेगा, राइट। वो क्या सिखाएंगे उसका शायद मैंने एक मैसेज भी शेयर किया होगा, नहीं तो आप 3:30 से 4:30 एक घंटे का आज पहले दिन सेशन ले लो ताकि आइडिया लग जाए। वो डिटेल में बता देंगे कि अगले 3-4 महीने में वो क्या क्या सिखाने वाले हैं, क्या क्या कवर करेंगे, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, आपके काम का है भी कि नहीं भी, ये भी देख लो। यस प्लीज। ओके, मेरे ख्याल से हमने मोटी मोटी बातें कर ली, एंड मैं आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूंगा अलग अलग टॉपिक वाइज, वो हाउस बिल्डिंग की बात हो चाहे डायरेक्ट प्लेसमेंट की बात हो, और फिर अपडेट करूंगा आपको इसके रिगार्डिंग, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑन टू दिस नेक्स्ट स्माल।